ग्वालियर क्षेत्र में इन दिनों रेलवे ट्रेनों के स्टॉपेज की समीक्षा करने में लगा हुआ है। अगर यात्री संख्या समुचित मात्रा से कम पाई जाती है तो ट्रेनों के स्टॉपेज खत्म करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। ग्वालियर के साथ साथ डबरा, दतिया, मुरैना आदि स्टेशनों पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक माह में 8,000 यात्री मिलने चाहिए। अगर इससे कम यात्री मिलते हैं तो वहां पर स्टॉपेज देना घाटे का सौदा माना जाता है। पर राजनीतिक रसूख भी जरूरी है। जिनके पास अच्छे जनप्रतिनिधि हैं वहां पर ट्रेनों के स्टॉपेज खत्म नहीं किए जाते, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो दोस्तों, देखना यह है आगे आने वाले समय में ट्रेनों के स्टॉपेज के बारे में क्या स्थिति रहती है। रेलवे स्टेशन की पार्किंग हमेशा विवादों के घेरे में रहती है। यहाँ पार्किंग दो लेवल की है, प्रीमियम पार्किंग और साधारण पार्किंग। साधारण पार्किंग को ऐसी जगह बना दिया गया है कि आम लोगों की नज़र में ही नहीं आती है, और प्रीमियम पार्किंग में अवैध वसूली की अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन की प्रीमियम पार्किंग में कार पार्क करने वाले यात्रियों से ओवरचार्जिंग की शिकायत को देखते हुए अफसरों को प्रीमियम पार्किंग में होने वाली ओवरचार्जिंग को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ठेकेदार से कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बैरियर मशीन लगाएं, जिससे प्रीमियम पार्किंग में जो भी वाहन खड़े हों उनका समय रसीद में अंकित होगा। यदि 20 मिनट के अंदर वाहन खड़े करने वाले लौट कर आते हैं तो उनसे किसी भी तरह का भुगतान नहीं लिया जाएगा। अभी प्रीमियम पार्किंग में जो वाहन 20 मिनट के पहले आ जाते हैं उनसे भी 60 रुपये ले लिए जाते हैं। पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों को किसी भी तरह का अगर नुकसान पहुंचता है उसकी जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी, क्योंकि ठेकेदार को संबंधित व्यक्ति इसी बात का शुल्क देते हैं। और बिना के बीच थर्ड और फोर्थ लाइन का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में काम अब ग्वालियर में भी धरातल पर दिखने लगा है। स्थानीय बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर तीसरी और चौथी लाइन के लिए जगह बनाने के लिए माल गोदाम को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। जब ये माल गोदाम यहाँ से हट जाएगा तो तीसरी और चौथी लाइन के लिए काफ़ी जगह निकल आएगी और रेलवे को अपना काम करने में सुविधा होगी। माल गोदाम के साथ ही ग्वालियर एंड पर बने पुराने केबिन को भी तोड़ने का काम रेलवे शुरू कर चुकी है। ये केबिन पुराने समय में ट्रेनों के गुजरते समय झंडियों के एक्सचेंज और पटरियों के बदलने के काम में आते थे, अब ये अनुपयोगी हो चुके हैं, इसलिए रेलवे इन्हें भी हटाने जा रही है। बिरला नगर पर इसकी तोड़ाई का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, तीसरी और चौथी लाइन के बारे में विभिन्न तरह के निर्माण कार्य इन दिनों हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं। इनके बारे में लेटेस्ट अपडेट मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। सफ़र करने वाले यात्रियों को कुछ परेशानियों से राहत मिलने वाली है, क्योंकि इसमें 7 नए कोच लगाए जा रहे हैं जिससे सफ़र आरामदायक होगा। यह कोच कालका वर्कशॉप हरियाणा से बनकर आ रहे हैं। इनमें से एक कोच यहाँ डीजल लोको शेड में आ भी गया है। इसे रेलवे कर्मचारी तैयार कर रहे हैं। इस महीने के अंत तक इस कोच को ट्रेन में लगा दिया जाएगा। ग्वालियर से प्रतिदिन 3 ट्रेनें संभलकर और श्योपुर जाती हैं। इन ट्रेनों के कई कोच खराब हो चुके हैं, काफ़ी समय से इन्हें बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इन नए कोच लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मार्च के अंत तक सभी 7 नए कोच लग जाएंगे। नए कोच में कालका से पंखे और लाइटें लगकर आई हैं, लेकिन यात्रियों को इनका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नैरो गेज ट्रेनों में लगी बैटरी इन पंखों और लाइटों को करंट नहीं दे पाती है। ट्रेन की स्पीड कम होने के कारण पंखे और लाइट नहीं चल सकेंगी। देखना है अब अधिकारी इस समस्या का क्या हल निकालते हैं। यात्री सुविधा को देखते हुए रेलवे ने फरवरी माह में एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
यादगिरी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली इस ट्रेन का स्टॉपेज ग्वालियर में भी होगा। इससे डेली ट्रेनों का लोड कम होगा और यात्रियों को भी कंफर्म बर्थ मिलने की संभावना बढ़ेगी। यह ट्रेन कर्नाटक के यादगिरी से 13 फरवरी को शाम 5:40 पर रवाना होगी। अगले दिन रात 10:22 पर ग्वालियर सुबह 4:30 पर दिल्ली पहुंचेगी। इसी प्रकार नई दिल्ली से ट्रेन 17 फरवरी को रात 9:30 पर रवाना होगी और सुबह 3:25 पर ग्वालियर पहुंचेगी। अगले दिन दोपहर 12:45 पर यह ट्रेन यादगिरी पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज यादगिरी, कालबुर्गी, सोलापुर, मनमाल, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों का होगा। इस ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे, जिसमें एक एसएलआर, 6 सामान श्रेणी, 10 शयनयान कोच होंगे। ये नई ट्रेन का पूरा शेड्यूल आधिकारिक रूप से आ गया है। टीकमगढ़ छतरपुर होकर खजुराहो के लिए ग्वालियर से सीधी रेल 29 अप्रैल की रात से चलेगी। रेलवे बोर्ड ने खजुराहो कुरुक्षेत्र के बीच नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। शेड्यूल के मुताबिक 27 अप्रैल को यह ट्रेन 11841 खजुराहो से शाम 6:35 रवाना होगी, जो 28 की रात को 1:15 पर ग्वालियर आएगी। यह ट्रेन सुबह 8:25 पर दिल्ली पहुंचेगी, जबकि ट्रेन नंबर 11842 कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए 28 अप्रैल को रवाना होगी, जो 29 की रात को 12:10 पर ग्वालियर आएगी। यह ट्रेन सुबह 8 खजुराहो पहुंचेगी। पर्यटक खजुराहो में दिन भर घूमने के बाद ट्रेन से रात तक घर लौट सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर इसमें कोई कमी दिखाई दी है तो भी अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपकी आलोचना हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इस कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।